एक गाइस, तो ऑफिस से आने के बाद मैंने सोचा चलो आज हाजी अली चलते हैं। ऑफिस से आने में काफ़ी आज लेट हो गया था, फ्राइडे था। तो हमने और अली भाई ने डिसाइड किया कि हाँ चलते हैं। तो हमने जल्दी से टैक्सी कर ली और ये टैक्सी करने से यहाँ से टोटल 15 मिनट्स या 10 मिनट्स की वे पे ही है। तो हमने टैक्सी बुक की और हम जल्दी जल्दी महालक्ष्मी से आगे हाजी अली का वे हैं। तो हम कहें हाजी अली आज हम चलते हैं, देख लेते हैं हाजी अली, क्योंकि मुझे घर जाना है। तो हम लोग भी टैक्सी में बैठ चुके हैं और हम लोग हाजी अली जा भी, हमें पता नहीं है हाजी अली अभी ओपन है या नहीं, क्लोज़ हो चुका है। रात के ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं। तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन अभी जैसे हम लोग यहाँ पे इन किए हैं तो मालूम चला कि अभी हाजी अली क्लोज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग इस वजह से चल रहे हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। इससे पहले जब हम आए थे तो करीब 4-5 साल हो गए थे, लेकिन हम लोग जब भी आए हैं डे में आए हैं, नाइट में फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चलो आज आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में हाजी अली की, आपको ज़्यारत कराते हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, काफ़ी शॉप जो है क्लोज़ हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी रश होता है यहाँ से भी हम इन कर रहे हैं। तो ये वे तो मुझे देखने से बिल्कुल लग रहा है सेम जैसे ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं अभी सारी शॉप्स क्लोज़ हो रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ जब भी आते हैं। तो ये जो मैंने देखा यहाँ सामने जो आप देख रहे हो, एक ये नया कंस्ट्रक्शन किया गया है जो पहले नहीं था, वो मैं देखना चाहिए तो कुछ नया टाइप का लग रहा है। तो इसके अंदर से हम आरिफ भाई मेरे साथ हैं जो मुझे लेके जा रहे हैं अभी हाजी अली। तो हम लोग साथ में ही रहते थे यहाँ पे, वो लास्ट 1 वीक से एक साथ में है। तो अभी जस्ट अभी हाजी अली आ गए हैं और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे जी मुंबई में ऐसे भी वेदर नॉर्मल, काफ़ी सुहाना मौसम है। तो अभी हम देख रहे हैं दोनों सी बीच, अब देखो दोनों तरफ से समुद्र की लहर जो है दोनों तरफ से मार रही है, और जब भी रात होती है तो इसमें ये दोनों समुद्र की लहर ऊपर पानी ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि ये रास्ता बंद हो जाता है। और ये अब जब मैं दिन में आया हूँ, काफ़ी सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, फर्स्ट टाइम नाइट में आया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये दोनों तरफ मुंबई शहर की लाइट आप देख रहे हो, काफ़ी चमक रही है, खूबसूरत लाइट है यहाँ की। और यहाँ सब देखो काफ़ी खूबसूरत लहर देख रहे हो आपको, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छी लहर समुद्र की आ रही है। तो ये काफ़ी सुहाना मौसम, खूबसूरत, मन कर रहा है कि रात को हम लोग यहीं सो जाए, इतना अच्छा वेदर बना हुआ है। और कुछ लोग वापस जाते हुए काफ़ी लोग, और हम सबसे पहले चाहेंगे कि ज़ियारत करें हाजी अली दरगाह की फिर से एक बार। तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइस वीडियो में आप बने रहो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे फैन क्लब को तो सब्सक्राइब करना। बीच में काफ़ी काफ़ी बिजी हो गया था कि ब्लॉग आपको नहीं ला पा रहा था, मैंने सोचा था कि ब्लॉग करूँगा, लेकिन कुछ पर्सनल मैं बिज़ी था ऑफिशियली, कुछ अपना ऑफिस का काम। तो ये आ गए हैं माशाल्लाह दरगाह, आप देख पा रहे हो खूबसूरत हाजी अली की, जो एकदम चिक 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 चमक रही है खूबसूरत। और अभी दरगाह पे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और पीछे की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरे शहर की खूबसूरती हाजी अली से बिल्कुल साफ दिखती है। महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से आप 10 मिनट वो बाई टैक्सी और बाई वॉक भी आप आ सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे बाई वॉक, और टैक्सी पकड़ो तो 5 मिनट्स में आप आ सकते हो। तो ये है खूबसूरत, यहाँ पे एक छोटा गार्डन जैसा बनाया गया है और ये भी अभी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। मैं लास्ट टाइम जब आया था, आई थिंक 2019 में शायद आई थिंक आया था मैं, तो उस टाइम में भी मैंने देखा था जब काम चल रहा था। तो ये दरगाह है हाजी अली की जो अभी भी काम चल रहे हैं। और इधर से अब अगर आप आगे किधर बढ़ो, ये देखो अब मीनार काफ़ी अच्छी बन चुकी है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे हाजी अली के दरगाह की। और ये पेड़ हवा से हिलते हुए, जैसे आपको बताया कि मौसम बहुत सुहाना है, और देख रहे हो यहाँ पे एक मस्जिद की तरह इसको मस्जिद बनाई गई है, इसमें नमाज़ होती है दरगाह की, सामने की तरफ दरगाह बना दी गई है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छी हवा आती है, अब इस फ्रंट की तरफ अगर आप आ जाओ, ये देखो यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ब्यूटीफुल और रियली अमेजिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। और ये देखो आप पूरे समुद्र, और पीछे से आपको देखो ओली बीच, ओली जो ब्रिज है यहाँ से आपको दिखते हैं कितने खूबसूरत, और ये चमचमाते समुद्र की लहर आप देखो काफ़ी अच्छी लगती हुई चमचमाती लहर, ये देखो काफ़ी करीब थी। दिनों भी आते हो काफ़ी अच्छी हवा चलती है और यहाँ बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है, लोग 1-2 घंटे आते। और अभी जैसा कि अनाउंस
हुआ है अभी जस्ट कि उसको क्लोज़ बाहर निकलने के लिए। ये बिल्डिंग देखो आप, दिखा रहा हूँ करीब से, मुंबई बिल्डिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। मुंबई इंडिया का सबसे खूबसूरत शहर मुंबई, और कोलकाता भी आपका एक अच्छा शहर है जहाँ से हम आए हैं कोलकाता से, पर मुझे मुंबई भी काफ़ी पसंद है और हमारे ऑफिस भी मुंबई है तो मुंबई हमें काफ़ी पसंद है यहाँ की खूबसूरती। पर यहाँ आने के बाद यहाँ का जो पॉपुलेशन देख के काफ़ी परेशानी हो गई मुझे। ट्रेन की जर्नी करना काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोकल में रश होती है जो अब पता नहीं सकता मैं जो मैं फील कर पा रहा हूँ। तो अभी आपको दरगाह से वापस जाते हुए यहाँ से सलाम पेश करते हुए, हजेली दरगाह हजेली को अपना सलाम पेश करते हुए फिर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, और यहाँ से फिर हम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को फिर डिनर करना है और फिर जल्दी सोना है क्योंकि मॉर्निंग में फिर निकलना है, ट्रैवल करना है मुझे, तो अपने पास टाइम कम है। तो अभी हम यहाँ से वापस जाते हुए हजेली से, ये पीछे की तरफ दरगाह हम देख रहे हो हजेली की, और ये मेरे पास आरिफ भाई या उनके ब्रदर साथ में आए थे, काफ़ी हेल्प किया मुझे यहाँ पे। तो भाई यहीं से वीडियो को क्लोज़ करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।